आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जीआईसी ग्राउंड पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस के सुरक्षा दल ने भीड़ को किया है काबू। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मीडिया से बातचीत में मौजूदा सरकार पर कसे हैं तंज अखिलेश यादव ने। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास सपा सरकार ने किया था, अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सपा के कार्यों का काट रही है फीता। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जीआईसी ग्राउंड पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ी है बैरिकेडिंग, जहां पर उन्होंने कहा कि पुलिस के सुरक्षा दलों ने भीड़ को किया है काबू। मीडिया से बातचीत में मौजूदा सरकार पर कसे हैं तंज, कानपुर मेट्रो का शिलान्यास सपा सरकार ने किया था, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सपा के कार्यों का काट रही है फीता। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी का मामला। एसबीआई बैंक की टीम कैश लेकर घर से निकली, चार बक्सों में भर कर कैश ले जा रहे हैं बैंक कर्मी। बैंक कर्मियों के साथ एक बक्सा खाली गया था, जहां 17 करोड़ की आधिकारिक पुष्टि डीजीजीआई ने की। 19 करोड़ रुपए कैश होने की संभावना सूत्रों के अनुसार से बताया जा रहा है, जहां 23 किलो गोल्ड और 600 किलो संदल भी मिला। जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के छिपटी मोहल्ला का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी का मामला है, जहां एसबीआई बैंक की टीम कैश लेकर पहुंची है। रामरति इस वक्त और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम ऋषि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राम ऋषि, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है अपडेट आपकी इस खबर पर? जी बिल्कुल, बता दें आपको, छापेमारी लगातार चल रही है। अभी तक लगभग 19 करोड़ पैसा बरामद हुआ है। सुबह जो है एसबीआई की टीम मौके पर पहुंची थी, उसके बाद एसबीआई की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी, और वो इस समय जो है पैसे वो गाड़ी पर ले जा रहे हैं। जी राम ऋषि, जिस तरीके से बोला जा रहा है चार बक्सों में भरकर कैश ले जा रहे हैं, क्या छापेमारी अभी भी जारी है या छापेमारी पूरी हो चुकी है? नहीं, छापेमारी लगातार चल रही है। अभी उनके जो पीयूष जैन के जो मकान है, जो मिलने वाले हैं, उनके घर भी छापेमारी चल रही है। लगातार कैश की गिनती लगातार चल रही है, और लगातार जो है जो गाड़ी है वो ले जा रही है पैसे को। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम ऋषि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का मामला सामने आया है, जहां विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। लेट बीटेक और टीटी पास अभ्यर्थियों के विधानसभा पे घेराव किया, जहां भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं विधानसभा। इको गार्डन में कई महीनों से अभ्यर्थी दे रहे हैं धरना। विधानसभा पर काफी देर तक अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन, पुलिस से अभ्यर्थियों की हुई है कई झड़प। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। जहां नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का मामला सामने आया है, विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। डीलेट बीटीसी टेट परीक्षा अभ्यर्थियों के लोगों ने किया है धरना प्रदर्शन, जहां भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं विधानसभा। इको गार्डन में कई महीनों से अभ्यर्थी दे रहे थे धरना प्रदर्शन, विधानसभा पर काफी देर तक अभ्यर्थियों ने किया है प्रदर्शन, पुलिस से अभ्यर्थियों की हुई है झड़प।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर विधानसभा के सामने लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, जहां नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का मामला है सामने, जहां पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। डीलर बीटीसी टेट पास अभ्यर्थियों ने विधानसभा पर धरना प्रदर्शन किया। भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं विधानसभा। इको गार्डन में कई महीनों से अभ्यर्थी दे रहे थे धरना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा पर काफी देर तक अभ्यर्थियों ने किया है धरना प्रदर्शन, जहां पुलिस से अभ्यर्थियों की हुई है झड़प। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन वहां पर जारी है? देखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती को जो पूरा मामला है, उस मामले को लेकर के एक बार फिर से ये जो अभ्यर्थी आज हजरतगंज पहुंचे हुए थे और विधानसभा के सामने इन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले अपना प्रदर्शन किया है। बरसात भी हो रही थी राजधानी लखनऊ में, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमें बेसिक शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर एक 6 महीने से ज्यादा ये जो अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये विधानसभा पहुंचे हुए थे। इनका कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए जो 27% का आरक्षण होना चाहिए, वो दरअसल 3.86% ही हुआ है और इसके अलावा जो एससी वर्ग के लिए 21% का होना चाहिए, वो 16% हुआ है। तो इसी को लेकर के ये अभ्यर्थी काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी प्रदर्शन के दौरान ये विधानसभा के सामने पहुंचे हैं। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि पुलिस की अभ्यर्थियों से झड़प भी हुई है, तो क्या उसमें कोई हानि की संभावना बताई जा रही है, क्या किसी को नुकसान भी पहुंचा है? देखिए, ये जो अभ्यर्थी थे ये बीजेपी कार्यालय की तरफ जाना चाह रहे थे और विधानसभा की तरफ जाना चाह रहे थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने वहां पर बैरिकेटिंग कर दी और उसके बाद ये अभ्यर्थी वहीं पर बैठ गए और जो अपना जो नारेबाजी है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसी को देखते हुए जो पुलिस बल वहां पर था, उन्होंने थोड़ी हल्का बल प्रयोग भी किया है। कुछ धक्का मुक्की की भी खबर निकल कर सामने आ रही है, कुछ अभ्यर्थियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, बाकी चीजें भी आई हैं, लेकिन फिलहाल कुछ गंभीर मामला ऐसा नहीं आया है कि किसी को गंभीर चोट आई है। अब किसी तरह से कोशिश यही करी जा रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, जो ज्वाइंट सीपी है पीयूष मेवड़िया, उन्होंने भी बात की है अभ्यर्थियों से और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को खत्म कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी का कई कहना है कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही अपने प्रदर्शन को खत्म करेंगे, क्योंकि सीएम की तरफ से भी कहा गया था कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जिस तरीके से एक भारी भीड़ विधानसभा के सामने में देखने के लिए मिल रही है, कि अब धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है या ये जो भीड़ है उसको कहीं और शिफ्ट किया गया है? देखिए, अब ये जो जो अभ्यर्थी थे वो दरअसल विधानसभा के सामने से हट चुके हैं, क्योंकि पुलिस बल वहां पर मौजूद था, बैरिकेटिंग कर दी गई थी और अब वापस ये इको गार्डन की तरफ गए हुए हैं, क्योंकि इको गार्डन में ही 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब इनका प्रदर्शन चल रहा था और अब ये सब वापस इको गार्डन की तरफ गए हैं, लेकिन इनकी मांग जो है वो अभी भी वही बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर, जहां रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीर में करेंगे शिरकत। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, रामलला और हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीर नगर में करेंगे चुनावी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताई जा रही है, जहां 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं, जहां रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद जीआईसी मैदान में जनता को संबोधित करेंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद करेंगे जनता को संबोधित। अयोध्या के बाद संत कबीर नगर में होगी चुनावी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हल्द्वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद। मुक्त विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम। पीएम की रैली स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ में मौजूद है, जहां मुक्त विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं सीएम। पीएम के रैली स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।